यहाँ पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस समय हम बागवानी विषय के जो हमारा एसएमडी है उसके प्रदर्शनी केंद्र से बोल रहे हैं। यहाँ पर 21 जो हमारे संस्थान है एसएमडी में उसके यहाँ के फल सब्जी और अन्य उत्पादों का प्रदर्शन किया गया है। जो हमारी टेक्नोलॉजी है इसमें हम लोग एक्जॉटिक फ्रूट्स को प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें कमलम हो गया, एवोकेडो हो गया और एवोकेडो के प्लांट, सिद्धू और संकरा जैकफ्रूट जो बहुत ही स्वीट है, और उसके अलावा जो विभिन्न संस्थानों के जो उत्पाद आए हुए हैं जैसे प्लांट प्रोटेक्शन प्रोडक्ट, जिसमें कि बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के लिए माइक्रोबियल कंसोर्टियम और दूसरे टाइप का प्रोडक्ट है, पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं, सीड और प्लांटिंग मटेरियल यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है, और जिस यहाँ प्रदर्शनी में जो सब्जी अनुसंधान संस्थान के सैंपल्स हैं, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट संस्थान के सैंपल्स हैं, और उसके अलावा ये मसालों के अनुसंधान संस्थान के सैंपल्स हैं, और बहुत सारे हम एक्जॉटिक फ्रूट और वेजिटेबल का भी यहाँ पर प्रदर्शनी किए गए हैं, और इसमें काफी लोग आकर के रुचि कर रहे हैं। इसी स्थान पर जो हमारा नेशनल रिसर्च सेंटर मशरूम है उसके भी अलग अलग वेराइटी के मशरूम का जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। इस तरीके से जो है इसमें हम लोगों ने बहुत ही कुछ विदेशी जो आम के वेराइटीज हैं उनको भी प्रदर्शित किया है, और CITS जो जम्मू कश्मीर है वहाँ से एप्पल और प्लम की वेराइटीज और ड्राई फ्रूट्स के जो प्रोडक्ट हैं उत्पाद हैं उनको भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। मैं केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत बैंक वैली का निदेशक हूँ। हमारा संस्थान विगत 45 वर्षों से बैकयार्ड पोल्ट्री के उत्थान के लिए लगातार काम कर रहा है या छोटे मध्यम किसानों के लिए काम कर रहा है। हमारे पास बहुत सारी वेराइटीज हैं जिसमें बटेर, टर्की, गिनी फाउल, देसी चिकन अवेलेबल हैं। हम लोगों ने पिछले सालों में बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाए हैं, जिससे कि किसानों की आय को दोगुना करने में हमें लाभ मिले। उसमें आप देखेंगे हमने कैरी हर्बी स्टेसमिन बनाया है, या स्टेसमिन जो है मुर्गियों में जो समर स्ट्रेस है, जो हीट स्ट्रेस है उसको कम करता है, उसके साथ लागत को प्रोडक्शन को बढ़ाता है। साथ ही साथ हमने हर्बी ग्रो बनाया हुआ है जो कि प्रोडक्शन को करीब 4-5% तक इंक्रीज कर देता है। ये मुर्गियों को फीड में हम सब एक तरह से फीड सप्लीमेंट है। इसके साथ साथ हमारे पास एक कैरी पोल्ट्री सीमन डाइल्यूएंट है। एच सीमन डाइल्यूएंट जो है मुर्गियों में आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन के में काम आता है। इसके साथ अगर इसको हम उपयोग करते हैं तो बहुत कम मुर्गा रखे ही हम ब्रीडिंग प्रोग्राम को सक्सेसफुल करके बहुत कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उन्नत किस्म के ब्रीड को डेवलप कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाए हैं। हमारे दो प्रीमियम प्रोडक्ट हैं बिस्किट, एक मल्टीग्रेन बिस्किट है, एक लो शुगर बिस्किट है, एक डायबिटीज के लिए लो शुगर बिस्किट डायबिटिक के लिए है। मल्टीग्रेन जो है इसमें मिलेट वगैरह मिली है, यह अति उत्तम बिस्किट है। इसमें 18% तक प्रोटीन है जो कि माल न्यूट्रिशन को एड्रेस करने में सक्षम है। साथ ही साथ हमारे हम लोगों ने स्पेंट हैं जो मुर्गी अंडिया देना बंद कर देती हैं उनके मांस से अचार बनाया, उसके साथ साथ एक बढ़िया भी बनाई है, चिकन बढ़िया जैसे दाल की बढ़िया होती है इससे चिकन बड़ी भी होती है। ये उन जगहों के लिए उपयुक्त होंगी जैसे लेह लद्दाख जहाँ जाड़ों में प्रोटीन का सोर्स कम हो जाता है, ऐसी जगहों पर इसको इसमें 55% से 60% तक प्रोटीन है तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम होगी। साथ ही साथ हम लोगों ने और भी प्रोडक्ट बनाए हैं, जैसे एक सॉसेज है चिकन सॉसेज है, पटीज है जो टी टाइम स्नैक्स है, डिनर लंच के लिए उपयोगी है। ये प्रोडक्ट हमने मीट स्पेंट हैंड मीट से बनाया हुआ है। साथ ही साथ हमने बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए हैं, ये भी सॉसेज है, और साथ ही साथ एक कोयल हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट है, एक कोयल का अचार, ये इसकी ड्यूरेबिलिटी 1 साल से ज़्यादा है, इसको बहुत ज़्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा इसकी सेल है, अचार काफ़ी उपयोग में आता है, बहुत सारा न्यूट्रिशियस है। साथ ही साथ हमने ये टर्की की फिलेट बनाई हुई है जो कि इसको चाय के साथ खाया जा सकता है। इसके अलावा हम लोगों ने कई प्रोडक्ट बनाए, एक कुल्फी है, एक रसमलाई है, ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच है, इसके साथ साथ माल न्यूट्रिशन को एड्रेस करने में सक्षम है। इस तरह हमारा संस्थान लगातार जो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना रहा है तथा छोटे और मध्यम किसानों के लिए काम कर रहा है जिससे कि बैकयार्ड को बढ़ावा दे। आपको बताना चाहता हूँ बैकयार्ड की ग्रोथ जो है इस समय काफ़ी अराउंड 45% बैकयार्ड पोल्ट्री ग्रोथ है, तो हमारा संस्थान उसमें लगातार बहुत ज़्यादा योगदान दे रहा है। ये हमारे साथी गौतम कुलूरी हैं, ये इनकी पूरी टीम प्रोडक्ट को बनाने में लगातार काम कर रही है। धन्यवाद।